हेलो फ्रेंड्स, मैं डिंपल कटारिया आप सबका वेलकम करती हूँ अक्षय एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास नाइन्थ के लिए है। क्लास नाइन्थ में चैप्टर वन है नंबर सिस्टम, उसमें से हमने टॉपिक लिया है यहाँ पर रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। तो इसमें आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी दो नंबर्स होते हैं लाइक 5, 6, 3, 4, 7, 8 एनी टू नंबर्स, और हमें इनके बीच में कुछ रेशनल नंबर जो है वो फाइंड आउट करने होते हैं। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो स्क्रीन के नीचे रेड टेक्स्ट है सब्सक्राइब, आप उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि आपके पास जो मेरी वीडियोज है वो नोटिफिकेशन के फॉर्म में मिल जाए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है, फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो यहाँ पे आपके पास जो गिवन नंबर्स हैं वो क्या है, एक तो 3 है एंड नेक्स्ट वन इज 4। 3 और 4, आप कहेंगे मैम 3 के बाद तो 4 ही आता है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट क्लियर करना है किसके लिए, 5 रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स जिन्हें आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट में डिटेल से जानना है तो इसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो आपके पास जो है यहाँ पर 3 एंड 4, हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं यानी कि पी अपॉन क्यू में। तो आप इनके अपॉन में 1 लगा सकते हैं, तो ये मिल गया आपको 3 अपॉन 1 और ये मिल गया आपको 4 अपॉन 1। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आप किससे कर सकते हो, आप कुछ नंबर से इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हो। लाइक मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ 6 से आप जो मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, 3 6 18 एंड यहाँ पे क्या 6 1 6। सिमिलरली आप 4 को भी 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 6 से कर रहे हो तो यहाँ पर 7 से कर दो। वो इसलिए क्योंकि जब हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा दोनों में ही सेम रहेगा। तो 4 6 24 एंड 6 1 6। तो अब आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट किस किस के लिए है, आपको दो नंबर मिलते हैं। एक तो आपको मिलता है 18 अपॉन 6 और दूसरा नंबर आपको क्या मिलता है, 24 अपॉन 6। अगर आप 18 से लेकर 24 तक की बात करें, क्यों, क्योंकि 6 तो आपका सेम है। तो यहाँ पर आप इनके बीच के जो नंबर्स है वो आपको नोट कर लीजिए, नंबर्स बिटवीन देम। तो वो आपके पास क्या है, 19 अपॉन 6, 20 अपॉन 6, 21 अपॉन 6, 22 अपॉन 6, 23 अपॉन 6। हमें क्या करना होता है, आपसे जब पूछा जाता है यहाँ पर बिटवीन 3 एंड 4, बिटवीन वर्ड का मतलब हो गया कि आप यहाँ पर 3 एंड 4 इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे और इनके जो मिडिल में बाकी सब है आप उनमें से कोई भी यहाँ पे 5 जो है वो चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये टोटल हमारे पास कितने हैं, 5 ही है। तो आप कह सकते हो दिस इज द आंसर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो। कुछ अच्छे से और समझने के लिए हम एक एग्जांपल और ट्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन लिख लेती हूँ, फाइंड आउट 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। ओके, अब आपके पास जो नंबर्स हैं, गिवन नंबर्स हैं, वो क्या क्या है, एक 5 है और दूसरा है 6, और 5 और 6 के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर चाहिए, यहाँ पे 6 रेशनल नंबर जो है वो आपको चाहिए। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आप 5 को कन्वर्ट कीजिए। तो 5 को रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आपने डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया, 5 अपॉन 1, और उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सपोज हमने यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, 8 से, तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 8 जा 40 एंड 8 1 जा 8। नेक्स्ट आपके पास जो नंबर है 6, आप इसको भी रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, रेशनल फॉर्म यानी कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 8 जा 48 एंड 8 1 जा 8। अब आप इन दोनों के बीच में आपको जो नंबर मिला है 40 अपॉन 8 मिला है और जो दूसरा नंबर मिला है वो 48 अपॉन 8 मिला है। तो इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं हम उनको नोट डाउन कर लेते हैं, नंबर्स बिटवीन
फाइव एंड सिक्स, तो 40 और 48 हम इन दोनों के बीच के नंबर्स लेंगे, है ना, बिटवीन फाइव एंड सिक्स. ओके, 41/8, 42/8, 43/8, 44/8, 45/8, 46/8 एंड द लास्ट 47/8. कितने नंबर्स हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. दीज आर 7 नंबर्स और हमें चाहिए कितने? 6. तो हम कोई भी एनी 5 ले लेंगे. सो द आंसर इज एनी 5. कोई भी 5 नंबर जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं. लास्ट हो गया 1, 2, 3, 4, 5. ये हो गए आपके पास 5 नंबर्स. तो ये आपका क्या हो गया है? आंसर. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो गया हो. अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.